वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल करुणा पढ़े मेरा जम आ चुके हैं 600 की इंग्लिश के साथ। और आज के हमारे पोयम का नाम है द क्लोथस लाइन और ये हमारा शुरू होता है इस पोयम के साथ यूनिट 2। चलिए पढ़ाई करते हैं। अभी हम पोयम की शुरुआत हम देखेंगे हमारे फर्स्ट पैरा में जो होती है हैंड इन हैंड दे डांस इन अ रो हिटलर एंड टिटलर एंड टू एंड फ्रो। अभी जो हमारे पहले दो लाइन्स हैं हमारे पहले पैरा के वो है हैंड इन हैंड दे डांस इन अ रो हाथ हाथ में हाथ मिला के वो एक रो में नाचते हैं। हिटलर एंड टिटलर ये बस एक फ्रेज है एंड टू एंड फ्रो आगे पीछे फ्लिप फ्लैप फ्लोप एंड अवे दे गो फ्लिप फ्लैप फ्लोप एंड अवे दे गो। अब इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे बर्ड्स का थोड़ा सा रेफरेंस दिया गया है फ्लिप फ्लैप फ्लोप जो कि विंग्स की मूवमेंट होती है उसे कहते हैं फ्लटरिंग क्रिएचर्स एट एज वाइट एज स्नो। अब ये जो फ्लटरिंग क्रिएचर्स एट वाइट एस नो अभी ये जो फ्लटरिंग क्रिएचर्स होते हैं एज पर जो बर्ड्स को यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है बर्ड्स क्या करते हैं वो फ्लटर करते रहते हैं वो यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं तो इसलिए यहाँ पे एक हैंकरचिफ को यहाँ पे फ्लटरिंग क्रिएचर्स कहा गया है एज वाइट एस नो क्योंकि उसका हैंकरचिफ वाइट था लाइक रेस्टिव हॉर्सेज एंड द केपर एंड प्रिंस। अब जो रेस्टिव हॉर्सेज होते हैं जो उनके केपर और प्रिंस होते हैं उनकी तरह वो था लाइक फेरी टेल विचेस दे वाइडली डांस जो फेरी टेल में जो विचेस होते हैं अगर आपने देखा होगा कि एक ऐसा सीन होता है वहाँ पे कोई तो जाता है और फिर और जो विचेस होती है फेरी टेल में जो विचेस होती है वो डांस कर रही है उनकी खुशियाँ मना रही है उनके प्लान सक्सेसफुल होने का तो वहाँ पे ऐसा एक फ्रेज दिया गया है राउंडेड इन फ्रंट बट होलो बिहाइंड वो सामने से राउंडेड है पर पीछे से वो है खाली दे शिवर एंड स्किप इन मेरी ब्रांच विंड। अभी वो सामने से तो होलो है सामने से फ्रंट से राउंडेड और पीछे से होलो है पर वो क्या होता है वो शिवर करता है उसे ठंडी लगती है और एंड स्किप इन द मेरी मार्च विंड आपको पता होगा मार्च के विंड्स बहुत ज़्यादा हैवी रहते हैं तो उनके कारण उसे ठंडी लग जाती है जब वो ओपन में होती है। वंस आई वॉज डांसिंग एक्साइटेडली अभी यहाँ का जो मतलब है उसका जो हैंकरचीफ है जो हवा में उड़ रहा है उसे डांसिंग एक्साइटेडली कहा गया है। स्ट्रगलिंग सो वाइडली अंटिल शी वॉज फ्री वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर ली थी बहुत ज़्यादा वाइडली स्ट्रगल कर ली थी अंटिल शी वॉज फ्री देन लीविंग पेग्स एंड क्लोथलेस लाइन्स बिहाइंड हर वो पेग्स और क्लोथेस लाइन्स छोड़ के चली गई उसके पीछे शी फ्लू लाइक अ बर्ड एंड नो वन कैन फाइंड हर ये जो यहाँ पे नो वन कैन फाइंड हर शी फ्लू लाइक अ बर्ड ये सारे रेफरेंस क्या है ये उस हैंकरचीफ को दिए गए हैं। आई सॉ हर ग्लिम्स लाइक अ स्नेल इन द सन फ्लिपिंग फ्लैपिंग एंड फ्लॉपिंग फॉर फन नो वन नोज वेयर शी नाउ कैन बी हिड इन अ डिच और ड्राउन इन अ सी। अभी हमारे पोएट का ये कहना है जो उसका हैंकरचीफ है जो उड़ते उड़ते गया उसे लगता है वो कहाँ तो सैंड में जाके डिच हो चुकी है या वो समुंदर में जाके ड्राउन हो चुकी है। शी वॉज माई हैंकरचीफ नॉट अ लॉन्ग अगो बट शी नेवर केम बैक टू माई पॉकेट आई नो। यहाँ पे हमारी पोयम ख़त्म होती है पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा वीडियो ख़त्म हो गया है। इस पोयम की जो अभी मीनिंग्स हम उनके बारे में भी जानेंगे। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो उसका हैंकरचीफ यहाँ पे लटका हुआ है और वो वहाँ से उड़ के चला गया। यहाँ पे जो स्ट्रगलिंग वर्ड दिखाया गया था स्ट्रगलिंग सो वाइडली अंटिल शी वॉज फ्री स्ट्रगलिंग ये दिखाया गया जो चिमटा है जो उसका पिन है उससे फ्री होने के लिए उसे वहाँ पर एक स्ट्रगलिंग का वर्ड दिया गया उसे एक स्ट्रगलिंग का फ्रेज दिया गया इसलिए। अभी हम देखेंगे यहाँ पे हमारे मीनिंग्स रेस्टिवली रेस्टली फिजिकली अनएबल टू रिमेन स्टिल जो एक्साइटिंग लोड होते ना तो वो एक जगह पे रह नहीं पाते वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं फिजिट करते रहते हैं किसी ना किसी के साथ एक चीज़ करते रहते हैं कंटिन्यूसली हम कहते हैं खेलते रहते हैं
तो उसे हम कहते हैं रेस्टिव, वो रेस्टिव होते हैं. वाइडली, हियर इट मीन्स वेरी हार्ड, वॉयलेंटली. अब वाइडली का मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और वॉयलेंट है. कीप अ लीप, स्किप और डांस अबाउट इन अ लिविंग प्लेफुल मैनर. जो बहुत ज़्यादा खुश है, ज़्यादा प्लेफुल है, या वो स्किप कर रहा है, डांस कर रहा है, चलते चलते बहुत ज़्यादा खुश है, ऐसा यहाँ पे प्लेफुल मैनर या प्लेफुल पोजीशन दिखाया गया है. प्रेस का मतलब जानेंगे हम. वॉक और मूव विथ हाई स्प्रिंगिंग स्टेप्स. स्प्रिंगिंग स्टेप्स मतलब उछलते उछलते चलना, ज़्यादा खुश होना. वॉक और मूव विथ हाई, हाई के साथ होना, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होके चलना, इसे यहाँ पे प्रेस कहा गया है. पेग्स, पिंस यूज फॉर सिक्योर समथिंग इन अ प्लेस, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स ऑन अ क्लोथ्स लाइन. पेग्स यहाँ पे जो चिमटे होते हैं उन्हें यहाँ पे पेग्स कहा गया है. तो जो क्लोथ्स लाइन होते हैं, जो ये जो लाइन है यहाँ पे हमारी क्लोथ लटकाने की, उन्हें यहाँ पे क्लोथ्स लाइन कहा गया है. और ये पोयम थी उसके बारे में, जो उसका हैंकरचिफ था वो तो उड़ गया बर्ड्स की तरह, जो दिखता है एज वाइट एज स्नो, जो उसका यहाँ पे रेफरेंस दिया गया था. आज के लिए पसंद आई, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा. अगर वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा. तब तक के लिए गुड बाय.